बहुत बड़ा घटना हो गया। हाँ देख, ज़्यादा सोचिए नहीं, है ना, सभी का टेंशन है दोस्तों, सब एकदम कैसे मुरझा गए हैं एकदम। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना प्यारा से घर में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी खाना वाना खा के अभी अपना ही घर के कामों में लगे हुए हैं दोस्तों। देखिए कि हम लोग घर बना रहे हैं और वही घर में अभी लगे हैं, है ना। हाँ दोस्तों, फाइनल नहीं होगा तब तक तो लगना ही होगा। हाँ, पर डे वही काम है दोस्तों। और मम्मी नहा धो के अभी खाना खा रही है, देखिए अंदर में आराम से कैसे धीरे धीरे खा रही है दोस्तों। एकदम मार भात बना के पानी डाल के, हाँ पानी में सा के। और दोस्तों पापा इधर उठा रहे हैं ईंट, और जो भैया है वो उधर से ईंट ला रहे हैं। तो चलिए अभी हम भी ला देते हैं। तो देखिए अभी इधर कैसे एकदम लोड कर करके अभी ले जा रहे हैं दोस्तों, और जितना भी ईंट है सभी को चढ़ाना है। तो चलिए इसी तरह करके अभी ले जाएंगे दोस्तों। और ये वाला गाड़ी बिसुन का है, ये वाला बिसुन का घर ये वाला है, तो उसी का है गाड़ी। और गाड़ी हो के दोस्तों काफ़ी एकदम सुविधा दे रहा है, ले जाने में थोड़ा दिक्कत नहीं होता है ना भैया। 32 हो जाता है एक बार में, 32 हो जाता है, 35 वो ले जाते हैं। तो दोस्तों ईंट एक बार में 30-35 ठो ले जाता है। तो अभी देखिए कितना पीस डाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 × 16 हो गया। और यहाँ पे है 5 नहीं 4, 6, 4, 10। हाँ तो 10 और 18 28 पीस है दोस्तों, नहीं 10 और यहाँ पे 16 है, तो 16 और 8 24 पीस अभी हुआ है। और लोड कर रहा है अभी, तो यहाँ पे देखिए पूरा एकदम 30-32 पीस ईंट ले जाते हैं एक बार में। और यहाँ काफ़ी ईंट था दोस्तों, अभी भी देखिए कितना मोटाई तक है। तो ये वाला सब ले जाएंगे और ऊपर चढ़ाएंगे छत के। तो देखिए अभी भैया 5, 10, 12, 16, 18 लेके जा रहे हैं अभी, देखिए कैसे आराम से देखिए काफ़ी एकदम डोंडिया रहा है दोस्तों, इस तरह बढ़ा के ले गए हैं एकदम। तो चलिए साथ साथ में अभी लोड कर देते हैं। हम फिर से ले आए हैं गाड़ी दोस्तों और अभी लोड कर रहे हैं। तो चलिए अभी लोड कर देते हैं। फिर से लोड कर दिए दोस्तों और भैया लेके चले, चलिए आराम से लाइए एकदम। तो देखिए लेके आ रहे हैं, और दोस्तों यहाँ उतारना नहीं पड़ता है, एकदम डायरेक्ट पलटी कर देंगे एकदम। एक बार में पलटी कर दिए, अब पूरा गिर गया, अब फिर ले जाएंगे और फिर इसी तरह लौट करके फिर चलाएंगे। दोस्तों हम लोग ईंटा ला के अभी उठा रहे हैं, और अब देखिए मुनकी जी ला ला के यहाँ रख रही है दोस्तों। कितना सक रही है लाने? 10-10 ने, तो 10-10 पीस सक रही है दोस्तों लाने के लिए। चलो लाओ, अच्छा है। तो चलिए गमला मेरा यहाँ आ गया और वो चली लाने के लिए। तो चलिए इसमें भरते हैं अभी। दोस्तों अभी इधर आ गए, और अभी देखिए पापा गए थे दोस्तों ये बांस का टटरी लाने के लिए, इसको हम लोग जाली बोलते हैं, तो लाने के लिए गए थे, अभी लेके आए हैं दोस्तों। तो चलिए अभी उतार के देते हैं। तो चलिए दोनों आदमी पकड़ के अभी अंदर लेते हैं दोस्तों। तो अभी ला के देखिए यहाँ पे रख दिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे 3 है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो यहाँ पे 3 जाली है, तो इसी में काम करना है हम लोग को। बाकी गया बच्चा सबको जो खूटे हैं दोस्तों से यहीं पे अभी घूम घूम के चर रही है, और वो है शकरकंद का ढेठा, वही वाला भी खा रही है। तो चलो तो अभी रख के हम लोग दोस्तों दोनों भाई अभी चले। तो दोस्तों अभी हम और भैया दोनों सीढ़ी लेके दोस्तों अभी जा रहे हैं बांस लाने, और एक घर यहाँ बना है इसी में है बांस, तो सीढ़ी ले लिए हैं दोस्तों और अभी जा रहे हैं। इधर से ही रास्ता है, तो देखिए कैसा कैसा रास्ता हम अभी घुसा रहे हैं, और इधर काफ़ी एकदम झाड़ी है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं, इधर धान भी है। तो चलिए दोस्तों अभी पहुंच गए हैं, कहाँ पे है ऊपर,
ये ओला। तो देखिए दोस्तों ऊपर में बांस है, यही बांस सब ले जाना है, कितना ऊपर में है एकदम। तो चलिए कैसे खड़ा करें फिर से। तो देखिए अभी भैया दोस्त एकदम खड़ा कर दिए सीढ़ी को। ऊपर वाला भी है, दो गो है, दोनों नीचे वाला। खाली नीचे वाला, तो नीचे वाला सिर्फ है दोस्तों। देखिए नीचे वाला बांस, यही वाला ले जाना है। तो चलिए अभी उतारते हैं। बाकी ये वाला भी घर नया बना है एकदम, ये सब में जाली लगा है देखिए। हाँ देखिए अभी भैया चढ़ रहे हैं ऊपर। तो चलिए अभी सीढ़ी को पकड़ देते हैं सिर्फ। हाँ आने दो धीरे धीरे। हाँ छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उधर सीट में पकड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों उधर सीट में पकड़ रहा है, तो अभी इधर पकड़ते हैं। अब भैया अकेले उधर ले जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों बांस को नीचे उतार लिए हैं और भैया अब सीढ़ी लेते हुए जाएंगे और हम जा रहे हैं ये बांस लेते हुए। तो अभी ये इधर से ही दोस्तों, इधर रास्ता में दूसरे का है, तभी पहुंचा देंगे और हम बांस को लेके इधर से ही चले हैं। देखिए इधर भी बारी खाली है और इधर का धान देखिए दोस्तों कैसा है, एकदम घर के आगे ही। और ये बोरवेल है, तो चलिए ले चलते हैं। तो चल दिए हैं दोस्तों, तो चलिए अब घर चलते हैं डायरेक्ट। तो हम पहुंच गए दोस्तों बांस लेके और अभी इधर मोनिका क्या कर रही है, क्या कर रही है मोनिका, खेल रही है। तो देखिए अभी खेल रही है, चलो घर तरफ आ जाओ। तो चलिए दोस्तों बांस को अंदर लेते हैं। देखिए यहाँ गेट के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी दोस्तों हम भी बांस लाए, बाकी देखिए मिस्त्री साहब पापा इन लोग भी दोस्तों बांस ले आए हैं और अभी यहाँ काट रहे हैं। मोनिका देखिए उधर से आ गई और आके कैसे अभी खेल कर रही है, पूरा खेल करो। तो चलिए दोस्तों अभी यही सब बांस सब काट देते हैं। अभी क्या कर रही तुम, इस रख दो लगेगा लगेगा, छोड़ दो। अभी पढ़ाई कर रही थी ना अभी। तो चलिए दोस्तों अभी पकड़ देते हैं। दोस्तों अभी अंधेरा हो गया दोस्तों और आज सब बांस उस ला के अभी ऊपर में ही कर दिए दोस्तों, पूरा ऊपर में सब लगा दिए हैं। और आज के बाद अब देखते हैं सुबह क्या होता है, काम चलता है कि नहीं चलता है। काहे कि दोस्तों बहुत बड़ा एक घटना हो गया और बहुत ही बड़ा दुर्घटना ही बोलेंगे। काहे कि दोस्तों लक्ष्मी के दादाजी, दोस्तों लक्ष्मी के दादाजी का स्नेक बाइट हो गया है दोस्तों, यानी सांप डस लिया है। तो उनको दोस्तों डॉक्टर के यहाँ ले गए हैं कि अब झाड़ फूक में ले गए हैं, काहे कि वो दोस्तों एकदम बहुत ही जल्दी पैर फूल गया था। तो पता नहीं अब उनका स्थिति कैसा रहता है। तो वही है दोस्तों हम लोग का इधर, पता नहीं कुछ ना कुछ काल होते रहता है एकदम, कभी मेरे घर तो कभी उनके घर तो कभी उनका घर। तो स्नेक बाइट हो गया है, अब पता नहीं दोस्तों अब कहाँ ले गए हैं। बोले तो थे कि हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन पता नहीं कहाँ ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं, रांची। तो मोनिका बोल रही है रांची ले गया है, तो पता नहीं। बाकी उधर मम्मी है, दादी अब सोच सोच के बैठी है। देखिए अब मोनिका को पता है कि रांची रांची ले गया, कहाँ ले गया, कहाँ ले गया है मोनिका, रांची। तो पता नहीं दोस्तों अब कहाँ ले गए हैं। तो वही है दोस्तों रांची ले गए। तो मोनिका बोल रही है रांची ले गए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ ले गए हैं। वहाँ तो बोल रहे थे कोई रांची, कोई रामगढ़, कोई इधर झाड़फूक के लिए बोल रहे थे दोस्तों। हम लोग का इधर एक मगवटाण बोलते हैं, उधर हरिद्गढ़ है। तो पता नहीं अब कहाँ ले गए हैं। कोरम्बो, तो मोनिका वहीं थी दोस्तों कोरम्बो, तो कहाँ कहाँ सब बोल रही है। बाकी मम्मी भी वहीं थी, तो अब पता नहीं कहाँ ले गए हैं। तो वही है दोस्तों बहुत बड़ा घटना हो गया। अब देखते हैं अब कैसा रहता है स्थिति दोस्तों, ठीक होते हैं कि। अभी खाना वाना बना है, वही सब अभी खाएंगे।
ज़्यादा सोचिए नहीं, है ना। सभी का टेंशन है दोस्तों, सब एकदम कैसे मुरझा गए हैं एकदम। तो चलिए अभी खाना वाना बना है, वही सब अभी खाएंगे और अब चले खाना खाने। तो चलिए अभी खाते हैं दोस्तों। मम्मी तो लग गई खाने में और दादी भी लग गई है दोस्तों, बाकी अब हम लोग भी खाएंगे। तो चलिए अभी खाते हैं एकदम। तो अभी बांट के देखिए अभी ला रही है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग सभी खाना खा लिए दोस्तों, और काफ़ी चिंतित भी है। और दोस्तों ऐसा घटना हो गया, स्नेक बाइट वाला बहुत खतरनाक घटना होता है दोस्तों। दूसरा कुछ रहता तो थोड़ा ये था। तो अब देखते हैं, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा दोस्तों भगवान से, ताकि जल्दी ही ठीक हो जाए और ठीक होके हम लोग के बीच में आए दोस्तों। काहे कि पड़ोसी हैं, लक्ष्मी प्रतिमा सूरज वो सब आते ही रहते हैं। उनके दादाजी को आप लोग पता नहीं दोस्तों देखे हैं कि नहीं देखे, किसी वीडियो में तो नहीं आए हैं, शायद बहुत शायद किसी किसी में आए होंगे। तो हाँ, तो ऐसे ही दोस्तों अब हॉस्पिटल ले गए कि झाड़ फूँक के यहाँ ले गए। हम लोग पूर्ण करेक्ट पता तो अभी नहीं है। फिलहाल कोई बोल रहा था कि झाड़ फूँक के यहाँ ले जाओ, कोई बोल रहा था हॉस्पिटल ले जाओ। तो अभी तो फ़ोन भी लगा रहे हैं दोस्तों चाचा उन लोग को, तो अभी उठा नहीं रहे हैं, अब पता नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, आप लोग भी कृपा थोड़ा भगवान से कीजिएगा कि जल्दी ही ठीक होके आए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं और फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।